हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलीमर्स की टेस्टिंग कैसे करें। उसमें आपको देखना होता है मेटल बेंड फ्लो इंडेक्स टेस्टिंग। इसके लिए आपको ये मशीन का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं MFI टेस्टर। इस मशीन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर टेम्परेचर सेट करना होगा 230 डिग्री। ठीक है, 230 डिग्री टेम्परेचर आपका जब आ जाएगा आपकी मशीन, उसके बाद आपको मटेरियल इस्तेमाल करना है जो भी आपको टेस्ट करना है। अभी जो हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे इसका नाम है E015EG। ये रिलायंस का बनाया हुआ एक पॉलीमर है, इसका हमें MFI टेस्ट करना है। अब आपको क्या है, अपना ये टेस्टिंग मटेरियल लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मशीन का जो बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए पूरी। मैंने पूरा रोल किया, देखते हैं आपको कोई भी मटेरियल खा नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा बॉक्स है पूरा एम्प्टी। अब अपना क्लीन करने के बाद लिखा है, उसके बाद हमें अपना मटेरियल को फिल करना होगा बॉक्स। ठीक है, हम अपने मटेरियल को फिल करेंगे। बॉक्स में जब आपका मटेरियल फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर से लोड लगाना है। लोड आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको केवल 2.16 kg का वेट रखना है, जिससे कि वो मटेरियल फ्लो होगा दैन वो यहाँ से निकलेगा। इसी को आपको वेट का टेस्टिंग करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मटेरियल यूज करना है उसका MFI कितना है। ठीक है, अभी हम वेट इस्तेमाल करेंगे 2.16 kg का। ठीक है, अब हमने ये अपना वेट लिया और देन आपको क्या करना है, ये वेट आपको 10 मिनट के लिए स्टोर कर रखना है। आप उसके लिए स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और टाइमर अपना स्टार्ट कर देंगे 10 मिनट। आपको ये प्रोसेस 10 मिनट तक रखना होगा, जिससे कि आपका वेट पता चलेगा MFI का। देखिए, अभी हमारे मटेरियल में जो अभी फ्लो हो रहा है उसको 4 मिनट से ज़्यादा हो गया है। हमें जो फ्लो निकालना है मटेरियल में, एक्चुअली क्या होता है, उसे 10 मिनट तक निकालना। ये हमने वेट रखा है अपने बॉक्स उसके ऊपर, उसको हम केवल 10 मिनट तक में जितना मटेरियल निकलेगा केवल उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमें पूरा बॉक्स एम्प्टी करना है, पूरा बॉक्स एम्प्टी करना है कुछ लेना देना। और मेन मोटिव कि हमारा जो मटेरियल है 230 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के अंदर 2.16 kg वेट करने कितना फ्लो हो, यही हमारे इस टेस्टिंग का मोटिव होता है। तो अभी हमारा 10 मिनट तक चल रहा है, तब तक आप देखते हैं।
हमारा 10 मिनट होने वाला है, देखिए 10 मिनट हो गया। दस मिनट होते ही हमें जो भी मेटल हमारा फ्लो हुआ था मेल होके उसे निकाल लेंगे। अब इसका हम चल के वेट करेंगे। आइए ये अच्छे ये हमारी वेट मशीन पहले अपने वेट मशीन को जीरो पर सेट कर लेंगे। हमारा वेट बिल्कुल जीरो होना चाहिए। उसके बाद वेट को बिल्कुल हल्के से जो मटेरियल होता है हल्के से मशीन को पकड़ लेंगे। हमारा जो वेट आ रहा है 1.8 के अराउंड आ रहा है। मैं इसको लूज कर देता हूँ। 1.780 मीन्स हमारा वेट सही है, क्योंकि जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है MFI का, रिलायंस का जो मटेरियल यूज करता है, इसके लिए MFI टैक्स का इंडेक्स है वो 0.7 से लेके 1.8 ग्राम का। तो हमारा जो मटेरियल है इसका जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है वो 0.18 से मैक्सिमम नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।